हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मेरे गार्डन में बहुत ही बुरा हाल हुआ है, जो कि बंदरों ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। देखिए उधर, ये देखिए, सारे प्लांटर तोड़ दिए हैं, प्लांट तोड़ दिए हैं। जितने गेंदे के फूल खिले थे लगभग वो सब नुकसान कर दिए हैं। इधर देखिए, पिटोनिया का लगाया था उसको भी इन लोगों ने निकाल के, फूल तो खाए साथ में पौधे भी उखाड़ के फेंक दिए हैं। अब ये तो नहीं चलेंगे, क्योंकि अब ये बिल्कुल कल पूरी रात पड़े रहे, सारा रात में आए होंगे, हम जान नहीं पाए थे, हम बाहर गए थे थोड़ा। और जब आज सुबह ऊपर आई तो देखा सारे जो है फूल, अब बहुत से चंपा वंपा के इतने बड़े बड़े प्लांट हो गए थे, उन सबको, उनके कई सारी टहनियाँ इधर तो बर्बाद की हैं, पूरे गार्डन को तहस नहस किया है। अब समझिए मैं पूरा दिन लगेगा मुझे करने में। इधर देखिए कितने बढ़िया बढ़िया फूल खिले थे इसमें, ये भी सब खा गए हैं। कोई मतलब कोई प्लांट नहीं ऐसा बचा है जिसमें इन लोगों ने नुकसान ना पहुंचाया हो। इधर देखिए, ये विंका का प्लांटर, इसको भी बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया है, तोड़ दिया है गिरा के, बस ये प्लांट बच गया है। ये देखिए इधर सारे गिरा गिरा के तोड़ दिए हैं। और ये देखिए इधर सारे में, ये चंपा के सारे प्लांट तोड़ दिए, और इतने बड़े बड़े अच्छे से ग्रोथ हो रही थी सब तोड़ दिए हैं। गुड़हल का बच गया है, वो भी झुका दिया था बिल्कुल, लेकिन मैंने भी इसको संभाला है, ये भी बिल्कुल झुक गया था। और इधर देखिए पूरी तबाही इस तरीके से मचाई है कि अब बस कुछ कर नहीं सकते हैं। पूरा दिन अब मुझे लगना पड़ेगा कौन सा प्लांट कितना ख़राब हुआ, डैमेज हुआ है, सबकी कटिंग वापस लगानी पड़ेगी। इस टाइम मेरे यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहे हैं, पर डे जो हैं आ रहे हैं, लेकिन कल घर में ना होने के कारण इन लोगों ने बहुत ज़्यादा उपद्रव मचाया है। तो फ्रेंड्स, गार्डनिंग करने में ये सब नुकसान बहुत उठाना पड़ता है। अभी तक हमारे यहाँ नहीं आते थे, पर अब बहुत ज़्यादा जो है मंकी आने लगे हैं। बंदर तो इतना नुकसान करते हैं कि बस मन तो करता है कि, ये देखिए सारे जितने मैंने लगाए थे कटिंग वगैरह सब उखाड़ उखाड़ के फेंक गए हैं। सारा कुछ मैंने सीड वगैरह डाले थे वो भी सब मिट्टी की जो है बुराई, आपको समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें। ये देखिए, ये स्टार्टर वाइन को भी नहीं छोड़ा है, इसको भी खा गए हैं। ये देखिए कितनी अच्छे से ग्रोथ हुई थी और कितना अच्छा लग रहा था, ये भी सब पता नहीं कहाँ से बैठ के इन लोगों ने खाया है। अब बताइए, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिनको इन लोगों ने छेड़ा ना हो, कुछ नुकसान ना किया हो। देखिए सारे चंपा के अब नए सिरे से मुझे सही करना पड़ेगा। कल सच बताऊं तो मैं कल नर्सरी ही गई थी कुछ प्लांट लेने, और मुझे क्या पता था नए आएंगे मेरे पुराने सारे प्लांट खा जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और अभी ही अच्छी शुरुआत हुई थी अच्छी ग्रोथ की, लेकिन जैसे ही बंदरों से कुछ बचता कहाँ। ये देखिए, ये भी इधर चंपा की कटिंग ये पड़ी है। अब बहुत ज़्यादा सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, कैसे क्या किया जाए, कहाँ से स्टार्ट किया जाए। पूरा तो गार्डन तहस नहस हो गया है, बस पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा, तभी काम चलेगा। कुछ प्लांटर उधर गिरा दिए हैं दूसरी छत पे, तो उनको भी अब हटाना उठाना पड़ेगा। ये देखिए कितना अच्छा का फूल खिला था, कल ही मैंने वीडियो शूट की थी शॉर्ट में, और मुझे नहीं पता था सारे। यहाँ पे मैंने बर्ड टांग रखी थी वो भी गिरा के तोड़ दी है, वो सब टूटी पड़ी हैं उधर। अब देखते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, इतना दिमाग डिस्टर्ब हो गया है। ये क्या है, एक खाते कम हैं नुकसान ज़्यादा करते हैं, खा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं।